पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सनातन को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भगवान राम के अस्तित्व को नकारने वाली सनातन विरोधी कांग्रेस सोनिया गांधी और मिशनकारियों की मिलीभगत है। इन सभी ने हमेशा सनातनियों की आस्था पर हमला किया है। आज सनातन संस्कृति का बढ़ता गौरव इन सनातन विरोधियों को हजम नहीं हो रहा है। डॉक्टर सिंह मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा प्रदेश व्यापी परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है। हम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों और गांव-गांव जाकर जन जन तक भाजपा सरकार के पिछले 15 वर्ष के विकास कार्यों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 9 वर्ष की उपलब्धियों से जोड़ेंगे। साथ ही भूपेश बघेल सरकार के काले कारनामे भी जन जन तक पहुंचाएंगे। बैठ के भी लेंगे, किस तरह देखते हैं। सवाल इस बात का रह गया कि जो कांग्रेस ने जो पहले जो शुरुआत किया था अपने प्रचार अभियान का, टैग लाइन उनका जो बना हुआ था वो भूपेश है तो भरोसा है। कांग्रेस ने रणनीतिक फैसला किया, केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस ने, कि भूपेश है तो भरोसा है। ये उन्होंने समाप्त करके ये साबित कर दिया कि भूपेश के नेतृत्व में नहीं, सामूहिक नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है। इसका मतलब भूपेश पे भरोसा समाप्त हुआ। अब भरोसे का सम्मेलन लाकर ये विश्वास दिलाना चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में विश्वास कैसे विश्वास करेगी छत्तीसगढ़ की जनता। छत्तीसगढ़ की जनता ठगी हुई है। छत्तीसगढ़ की जनता शराबबंदी का इंतजार करते करते 5 साल निकाल दिया। 10 लाख नौजवान की इंतजार करते बेरोजगारी भत्ता के लिए भटक रहे। लाखों कर्मचारियों को स्थायी करने की मांग को लेकर कर्मचारी आंदोलनरत रहे। 5 साल कुछ नहीं हुआ। वृद्धावस्था, विकलांग पेंशन, 2 साल का बोनस देने का बड़ा वादा उन्होंने किया था, आज तक वो वादे कहाँ गए। ये भरोसा तो समाप्त हो चुका है। और दूसरा, घोटाले की सरकार, इन्होंने छत्तीसगढ़ को सिर्फ और सिर्फ लूटा है, लूटा है, लूटा है। ऐसी भ्रष्ट और करप्ट सरकार हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, जहाँ रोज नए घोटाले, रोज नए प्रकरण निकल रहे हैं। हजारों करोड़ की शराब घोटाले, 500 करोड़ से ऊपर के कोल घोटाले। ये सरकार लगातार, और ये डॉक्टर रमन नहीं कह रहे, ये ईडी के पूरी जानकारी लेने के बाद जो इन्होंने न्यायालय में 13,000 पेज का जवाब प्रस्तुत किया, उसमें स्पष्ट कर दिया कि सरकार का सभी अंग भ्रष्टाचार में लिप्त है। अब नया घोटाले की भ्रष्टाचार महादेव ऐप निकल के आया है। अब सट्टा में, जुआ में, ऑनलाइन गेमिंग में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसके सूत्र सीधे सीधे मुख्यमंत्री सचिवालय से जुड़े हुए हैं। उनके ओएसडी इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके सलाहकार इसमें लिप्त हैं। ये दुनिया, हिंदुस्तान में ऐसी कोई सरकार नहीं होगी जहाँ जुआ हो, सट्टा हो, अपराध हो, शराब हो, कोयला हो, जमीन घोटाले हो, सब घोटाले में यदि सूत्रधार है तो मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द के लोग। आज 7-7 महीने से जमानत नहीं मिल पा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सारे तथ्य और सारे सबूत जो प्रस्तुत किए गए हैं न्यायालय में, वो इतने मजबूत हैं कि न्यायालय भी मानती है कि व्यापक स्तर में इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। और इसलिए छत्तीसगढ़ में हम परिवर्तन यात्रा लेके जा रहे हैं कि ये सरकार को बदलने का वक्त आ गया है और डबल इंजन की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो निश्चित रूप से आने वाला कल, जैसे 15 साल हमने विकास किया था, वैसा ही विकास हिंदुस्तान के, छत्तीसगढ़ के एक एक गाँव में होगा। इस पार्टी योजनाबद्ध तरीके से, स्टालिन की बात छोड़ें, कांग्रेस के पदाधिकारियों की बात छोड़ें, कर्नाटक के मंत्रियों की बात छोड़ें, इनके छोटे से बड़े कार्यकर्ता एक विषय को लेकर पूरी शक्ति लगाए हैं, और वो लगाए हैं सनातन धर्म पर आक्रमण करने के लिए। यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ का परंपरा है, यहाँ का धर्म है, ये वैदिक काल से है। ये धर्म की स्थापना कोई 100, 200, 500 साल पुरानी नहीं है, ये वैदिक काल से सनातन धर्म है। और सनातन इसलिए कहा जाता है, ये हजारों साल से
इस देश की संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है, और ये लगातार जो आक्रमण हो रहा है सनातन धर्म, इसके पीछे ईसाई मिशनरी, सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी योजनाबद्ध तरीके से एक आक्रमण की रणनीति बना के सनातन पर आक्रमण करने की प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये सब मिलीभगत है, सब मिलके इस प्रकार की बात करते हैं ताकि हिंदुओं के बीच मतभेद हो। आज हिंदू देश में सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति में संगठित रूप से है, उनके स्वाभिमान, उनके गौरव को बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज उनकी आस्था के प्रतीक भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया अंतिम स्थान में है, इससे बौखलाहट हो रही है। वो कांग्रेस जो भगवान राम के अस्तित्व को नकारती थी, आज राम राम बोलने को मजबूर हुए। और केंद्रीय मंत्रियों ने हमारा अनुभव है, और ये अनुभव मैं तो कह सकता हूँ, जब 2003 में प्रदेश अध्यक्ष बना था और उस समय कांग्रेस के सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एक बड़ी यात्रा दोनों जगह से निकाली गई थी, और मुझे लगता है उसका बड़ा रिजल्ट मिला और हम 15 साल के लिए सरकार में बने, तो मुझे लगता है यात्रा से एक संदेश जाता है। दूसरा, इस यात्रा में एक बड़ा मैसेज जाएगा, माननीय मोदी जी के 9 साल की उपलब्धि, गांव, गरीब और किसान, जनता के लिए आम आदमी के जीवन में क्या 2014 में देश की स्थिति थी, और 14 के बाद आज यदि 2023 में बैठे हैं तो हिंदुस्तान में या छत्तीसगढ़ में या गांव में क्या परिवर्तन आया। करोड़ों शौचालय, 11 करोड़ से ज़्यादा शौचालय का निर्माण यदि हो गया, 2,38,00,000 से लेकर आवास का निर्माण हो गया, छत्तीसगढ़ के और पूरे हिंदुस्तान में करीब करीब 45 करोड़ खाते खोलने का काम जनधन खाते में हुआ, 10,00,000 तक के इलाज की योजना हुई, कोविड काल में 80 करोड़ परिवारों को 5 रुपये किलो चावल देने की, निःशुल्क 5 किलो चावल देने की व्यवस्था करीब करीब 18 महीने तक माननीय मोदी जी ने किया, हिंदुस्तान के सभी लोगों को 200 करोड़ से ज़्यादा निःशुल्क वैक्सीन लगाने का काम किया, और विकास में हिंदुस्तान के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो छलांग आई है, देश का मान सम्मान और गौरव ही बढ़ा है। सड़कों का जाल बिछाने का काम, 7,00,000 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ, कनेक्टिविटी बढ़ी है, गांव-गांव में, पंचायतों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार ने गाँव पर दिया है, तो ये एक विकास की लंबी छलांग। और सबसे बड़ी बात, 14 तक जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा था ये देश, रोज़ नए नए घोटाले हुआ करते थे, आज ये हम दावे के साथ कह सकते हैं 14 के बाद, सरकार बदलने के बाद 2023 तक एक ईमानदार और स्वच्छ सरकार हिंदुस्तान में देखा, जिन्होंने देश को गौरवशाली स्थान में पहुंचाया। विश्व की इकोनॉमी में आज हम यदि 5वें स्थान में पहुंचे हैं, तेजी के साथ हमारा विकास संभव हुआ है, ये संदेश लेकर मोदी जी का हम गांव-गांव में सब जाएंगे।